टीम लीडर दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप पंडित जी में। अभी अभी हमें एक रेस्क्यू कॉल आया है। यहाँ पे कोई स्नैक नहीं है, कोई लिजर्ट नहीं है, यहाँ पे है सीएक कैट, जिसे हम आदमखोर कहते हैं। और कभी कभी वो गांव में तो लोग इसको क्या बोलते हैं सर, लोखर वोखर सिंगार वगैरह कहते हैं। तो हम सर से जानेंगे कहाँ है, कैसा है, कब देखा और कैसी स्थिति में है, इसको निकालते हैं। जी सर बताइए, हुआ क्या कि हमको लग रहा है कि रात वात में जो है कि वो निकला और कुत्ते जो है उसको पकड़ उकड़ लीजिए, वो किसी तरीके से अपने आप को जो है कि छिपा उपड़ कर छिपा था। सुबह हुआ तो पक्षी उच्ची जो है जो छोटे बच्चे देख लिए जी, तो उसको देखकर तो साइड से निकल कर जाकर यहाँ बाथरूम में। अच्छा, बाथरूम में उसको हमने लॉक करके जो है कि आपको फोन किया जी, तो आपको बुला लें। चलिए दोस्तों, दिखाते हैं आपको है क्या और कैसा है, किस हाल में है। शायद उसे चोट भी आई है, देखते हैं देखते हैं। तो आप प्रोसीड है दिखाइए, क्योंकि पता हो भी सकता है क्योंकि इसको क्या पता कौन बचाने आया है, कौन मारने आया है। इसको तो चोट काफी लगी हुई काफी है। और ये देखिए, ये है सीएट का है, इसको काफी चोट आई है और शायद कुछ जानवरों ने, शायद कुत्तों ने इसको नुकसान पहुंचाया है। ये हमारे पर्यावरण का बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं जो कि इसको न तो मारे हैं न तो इसको कुछ किए हैं, इसको बचाने के लिए हमें बुलाए हैं। और ऐसे में तो भाई खतरा हो भी सकता है क्योंकि ये भी बेजुबान है, इसको क्या पता कौन मारने आया है, कौन बचाने आया। बोरी लाइए जरा, बोरी में हाँ मैं पेट्रोल काट ले। ये देखिए, तुम कहाँ जाता नंगा, किसी का पालन नहीं जा सकता। नहीं, इसको पाल तो नहीं किया जा सकता, ये पेट होता ही नहीं बिल्कुल। अच्छा, ये पेड़ पर चढ़ सकता है, पेड़ पर चढ़ सकता है। ये मुर्दा खाने के लिए ज़्यादा फेमस है, मतलब इंसान जहाँ गड़े रहते हैं खन के ये खा लेता है। अरे बाप रे, और ये सड़ा गला मांस खाता है, इसलिए इसके काटने के बाद रेबीज हो सकता है इंसान में। अच्छा, इसलिए इसको काटने के बाद सीधा उसको रेबीज का इंजेक्शन लगवाएं। कुत्तों ने इसको बहुत ही बुरी तरीके से, मतलब इनका बेहाल समझ लीजिए, एक प्रकार से ये काट के इसको बेहाल कर दिए हैं। और ये हमारे समझ लीजिए पर्यावरण में बहुत ही अहम रोल है इनका। अच्छा, एक तरह ये मेहमान होते थे, यही लोग जैसे कि जो जमीन के अंदर छिप पाए थे ना वही बच पाए थे, और बाकी तो सब काफी चोट आई है इसको। मिला
इसको मूव करने के लिए थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा। ऐसे बेजवानों को बचाने के लिए हमारी टीम कोने कोने पे जाती है, लोगों की मदद भी करती है, तो कृपया इन जानवरों को ना बचाएं। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, मारा नहीं बल्कि इसको बचाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के लोगों का, क्योंकि एक ऐसा प्राणी है जिसको पता भी नहीं है कि हमको कौन मार रहा है कौन बचा रहा है। तो इसको ले चल के इसके अंतरिक्ष वातावरण में छोड़ेंगे, हो सकता है इसका इलाज भी कराया जाए, लेकिन ये पालतू तो हो नहीं सकता। तो हर के पास है ना।